अस्सलाम वालेकुम। वाह कितना खुश हो। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सब? वालेकुम सलाम बोल रहा है। आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे, खैरियत से होंगे? केमोन अच्छो जो है बंगाली बोलते हैं, मैंने नहीं लड़ाया। वाह केमोन, हाँ वो केमोन अचोन, केमोन अचोन था, केमोन अचो था मेरे ख्याल से। अच्छा जो नून है वो कमेंट सेक्शन में लोगों ने जो है पेस्ट किया। सिर्फ बंगाली ही बताइए तो बाकी भी बता लेते हैं ना। केमचो जो है वो, केमचो तो हमें पता था, वो सिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गुजराती में कुछ और सिखाओ। और दूसरा जो है पंजाबी वाले तो की हालचाल बोलते हैं, दूसरा ये सारे मतलब हाउ आर यू जो हमारे मलयालम और मराठी और जो आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइड कंट्री जो है उनको हाउ आर यू ऑल, वो तो इंग्लिश समझते हैं। तो मैं हूं आप लोगों का होस्ट कुदरत, और मैं हूं साहिल अफगान। तो आज एक हम लोग जो है काफी मतलब दो दिन बाद न्यू वीडियो बना रहे हैं, दो दिन बाद न्यू वीडियो। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था, शादियाँ वगैरह हो रही थी कजन की, तो इस वजह से मैं बिजी था। तो आती है वीडियो की तरफ। आज एक वीडियो है जो कि हिंदी में रिटर्न है, बट ये जो है थ्री इडियट्स मूवी का एक सीन है। थ्री इडियट्स तो हम लोगों ने देखी थी, आमिर खान की मूवी थी जो कि बहुत ही ज्यादा सुपर टूपर मूवी थी। तो इस पर हम लोग रेट करेंगे, लेकिन रेट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमें सोशल साइट फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। एंड लेट्स वॉच, लेकिन वॉच करने से पहले आप लोग ये भी करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिए और लाइक भी जरूर किया करें ताकि पता चले आप लोगों की सपोर्ट मिल रहे हैं। लेट्स वॉच। मैं तो फालतू यहां बैठा हूं, चलो प्ले कर। फालतू बैठे हो मेरे साथ, कैसे ही बैठा हुआ है। अच्छा ये भिंडी 12 रुपए की, गोभी 10। अच्छा ये वो जगह है जब ये उसके दोस्त के घर जाते हैं। कम से कम खाना ऑफर तो किया। हाँ ये बात है, तेरे भुक्कड़ बाप जैसा नहीं। भुक्कड़ बाप हिटलर कुरेशी। हाँ हाँ हिटलर तो मदर टेरेसा है, इटली वाली रोटी खिला रही थी। माँ को लेकर मजा नहीं करेगा। छोड़ यार, तुम लोग क्या झगड़ा कर रहे हो? भूख लगी यार, कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए। कंटेंट है यार, पैसे क्या इसकी मदर टेरेसा देगी? ओए खाना खाने के लिए पैसे नहीं लगते, यूनिफॉर्म लगता है। यूनिफॉर्म जस्ट यूनिफॉर्म। वो देख शादी जा रहे होते हैं ना, उनकी बेटी की शादी होती है मेरे ख्याल। अरे सुन, 3 लाख वोट का लेके आप छोड़ा हाफ पानी। अच्छा यार इन लोगों के साथ खाने की बिजनेस पे, लेकिन बकरी वगैरह सब कुछ पे लेके ये छोड़ दे। हां और म्यूजिक चेंज कर यार, कुछ गजर जैसा लगा। हां हां म्यूजिक भी चेंज कर। ये क्या पहना है? अरे 18th सेंचुरी की वॉच, लोग क्या बोलेंगे? सुहास की फियांसे को देखो, डॉक्टर बनने वाली है और 200 रुपए की घड़ी पहनती है। प्लीज टेक इट, थैंक यू। हाय हैंडसम। हे आंटी, अच्छा ये तुला है मेरे पास। डार्लिंग रूबीज मेंडले से है। मेंडले, वाओ। हे लेट्स गो मीट डेविड, चलो तुम्हें मिलो। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी, यस क्लास, ग्लास में ले लो। क्यों? आप ग्लास फेंक के मारेंगी मेरा सर फट जाएगा। मैं आपको क्यों मारूं? मतलब कुछ कहने वाला? क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी फ्री एडवाइस देने वाला हूं। क्या? उस गधे से कभी शादी मत करिएगा। एक्सक्यूज मी, वो आदमी नहीं, प्राइस टैग है, प्राइस टैग। लिसन, जिंदगी भर आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के दाम बता बता के पका देगा। हेलो, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, योर फ्यूचर विल बी फिनिश्ड। डेमो दो। उसके जूते कितने के पता करूं? मैं नहीं पूछूंगा, वो खुद बताए। चलो ठीक है, अब ट्राई करते। $300 के शूज है, के शूज है। फ्री एडवाइस से लेना, चलो नहीं तो जाने दो। ये आपके कैसे? अच्छा कितने काला ले रहे हैं, मतलब फुल बुके। ये तो मेरे स्टूडेंट्स। ओ ये यहाँ क्या कर? एक सेकंड। ओह पकड़े गए। अबे पूरी के लिए जगह नहीं है, जस्ट कर लेना साइड में। अच्छा हाय। हे हाय, आपने मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू सो मच। ऐसी क्या बात है, तो मेरा फर्ज था। Can I ask you for a little more help? Yeah. मेरे डैड सुहास के साथ ये एंगेजमेंट तोड़ने नहीं देंगे। ओह
आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, अगर आप उनको भी एक डेमो दे दे तो। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, डेमो देंगे। राजू हाँ चटनी दे। रियली स्वीट। कहाँ है डैडी आपके? बिल्कुल आपके पीछे। तेरे भाग लो, फ्री एडवाइस है, लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर लिफाफा दे के आते हैं सर स्टेज पे। ए पक्का हिटलर है। मुझे दे दो, मेरी बहन की शादी है। बहन? सर आपकी टोटल कितनी बेटियां हैं? सर खाली है। तू डला नहीं रहा तू? वैसे हमने तो आपको बुलाया नहीं, आप शायद लड़के वालों की तरफ से होंगे। नहीं सर, हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर। साइंस की तरफ। कैन यू एक्सप्लेन डैड? ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, अभी डेमो दो ना। सर एक्चुअली दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी बहुत जाती है सर, और शादियों में बड़ी प्रॉब्लम होती है सर उसकी वजह से। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा इन्वर्टर बनाऊं जो शादी में आई हुई गाड़ियों की बैटरी से पावर ले सर। अच्छा वाव, तो बना दिया इन्वर्टर? सर डिजाइन रेडी है। वेयर इज सर? डिजाइन कहाँ पर? डिजाइन दिया था ना तुझे? अच्छा परान किस देख रहे हैं? राजू दिया था। राजू डिजाइन? ओह तेरे। सर एक्चुअली डिजाइन छोड़िए ना सर। सर मैं आपको डायरेक्ट इन्वर्टर बना के दिखाता हूं। तुम सिर्फ बेवकूफ बना सकते इन्वर्टर नहीं सर। सर मैं आपको इन्वर्टर जरूर बना के दिखाऊंगा सर, आई प्रॉमिस। और उसको आपका नाम दूंगा सर, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी बेटी की शादी में इन्वेंट हुआ है, तो इट विल बी एन ऑनर। फरहान, राजू, आप दोनों से कल मैं ऑफिस में मिलना चाहूंगा। थोड़ा पुराना है, 2012-13 की मूवी है, सही मुझे तब जो है बोझ रही मूवी। ये आजकल भी लोग देखते हैं और बड़े शौक से देखते हैं, और बहुत ही अच्छी मूवी है यार, इतनी जबरदस्त है। स्टूडेंट लाइफ पे बनी है, लेकिन क्या बताऊं इस मूवी का। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो एक्सप्लेन की बात हो रही थी कि जो है आमिर खान जो है उसको जो है एक्सप्लेन करता है कि यार ये जो बंदा है डेमो बहुत अच्छा देता है, हां उसको जो है शादी नहीं करो इनके साथ, ये जो है बस एक बुद्धू है, मतलब किसी काम का नहीं, मतलब इनको जो इंसानी वो जज्बात की कोई कीमत इसका ही नहीं है, मतलब कोई किसी चीज के बारे में अगर मतलब बता दो तो मतलब नहीं। हाँ। ऐसे बंदे होते हैं मतलब लाइफ में, खुद को दिखाने के लिए, खुद को शो करने के लिए ऐसे लोग होते हैं, मतलब जो मतलब इस तरह चल बोल खुद को जो ब्रांड साबित करने के लिए या दिखाने के लिए कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। दो वर्ड इंग्लिश सीख के फिर इंग्लिश बोल देते हैं, मतलब अपना जुबान भूल के। राजू और फरहान को क्यों बुलाते हैं ऑफिस में? क्यों जाबिर आमिर का पता नहीं क्या चंचल इस तरह कुछ नाम होता है, उसको क्यों नहीं बुलाते? तो उसके पीछे पावर होता है, वो किसी मतलब बड़े बेटे ने मतलब बड़े आदमी ने जो उसको भेजा हुआ है यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी है शायद ऐसी है। और दूसरा जो है ये लोग इनको तो भूख लगी होती है ना, तभी तो ये की सीन जब शुरू होता है ना पहले से, जब ये लोग जो एक इनको का दोस्त होता है ना वो बहुत गरीब होते हैं, उनके घर चले जाते हैं। हाँ राजू, तो राजू जो के घर जाते हैं तो राजू वाले क्या करते हैं कि उसकी जो माँ जो होती है ना, इसके वालिद बीमार होते हैं, जो माँ जो रोटी पका रही होती है उसमें पता नहीं क्या एक से ऐसी चीज नहीं, रोटी जो प्लेन जो करती है हाँ बेला पता नहीं क्या वो करते हैं, तो वो उठा के उसके वालिद के जो है कमर जो है उसको जो इस तरह मतलब वो करते हैं, मतलब वो खारिश कर रहा होता है तो उसको जो है वो फिर वापस उधर लगा, तो ये लोग जो है हैरान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, वो माँ जो मतलब गरीब घराने में ऐसे ही होते हैं जो हर चीज़ का जो रेट का पता होता है, ये इतनी की होगी, वो इतनी की होगी ना, मतलब कम काया करो, ये सामने शादी हो रही है वो भी, वो लिफाफे फिर ये लोग निकल के आ जाते हैं। अच्छा ये रेल वाली शादियों में भी इसी तरह शायद होगा कि लोग जो खाली लिफाफों के साथ अंदर जाएंगे, और मैंने सुना भी होते है बहुत से होते हैं। मैं कई बार मैं खुद तो ऐसे ही कई बार हुआ, जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे तो हम लोग जाते थे, अभी भी अभी तो नहीं, लेकिन ये जो लिफाफे रहते हैं उसमें पैसे वगैरह रखे होते हैं ना, तो दुल्हन दुल्हन जाके स्टेज पे जाके मैंने सुना था कि लोग कैसे होते हैं जो खाली और बनाई भी एक ऐसे आदमी ने है जो के खान जो के बहुत ज्यादा सुपर डुपर हीरो है। अभी कह रहे थे कितना ही हमारे चैनल हमारे नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिए, लाइक भी जरूर किया करें ताकि पता चले सपोर्ट मिल रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।